नमस्कार दोस्तों, गीता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे उड़द की दाल की, इसको कड़ी भी बोलते हैं और इसको कड़हल भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आप लोगों को सामग्री दिखा देते हैं। ये उड़द की दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया सिलवट्टे से। ये कुछ हमने धनिया पत्ती ली और दो टमाटर, और ये हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट, इधर हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर। चलिए आप लोगों को हम बना के दिखाते हैं हम किस तरीके से करैल बनाते हैं। इसको करैल भी बोलते हैं और इसको उड़द की दाल की कड़ी भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इधर जो हमने दाल को पीस लिया था अच्छे से, उस दाल में मैं थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग और नमक डाल के ऊपर थोड़ा सा मिला लेंगे, क्योंकि इसकी हमें थोड़ी छोटी छोटी सी पकौड़ी बनानी है वो दाल में डालने के लिए। ये काला वाला जो उड़द का दाल होता है उसका है। इसको मैंने भिगा दिया था अच्छे से, फिर इसके छिलके उतार लिए थे, फिर मैंने इसको सिलबट्टे पे पीस लिया था और फिर बाद में मैंने इसको बनाया था। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है। ये बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बनता है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों के यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ पे तो इसको करैल बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते बताना प्लीज। और बने रहिए हमारे साथ और वीडियो फुल देखिएगा। तो देख लीजिए, इधर हमारा तेल गर्म हो चुका था, उसमें छोटे छोटे से पकौड़े टाइप के बना रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से, इसमें मतलब छोटे छोटे से बना के डालते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा, वीडियो फुल देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इधर हम सारे पकौड़े अच्छे से बना लेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इधर हम मतलब इसी का मतलब पकौड़ा बनाएंगे, और इसी को मैं जो कड़ी टाइप के बोलते हैं उसका गोल बना के इसको मैं अच्छे से मतलब सब्जी भी बनाएंगे इसकी। हमारे यहाँ करैल और भात बोलते हैं, करैल भात मतलब चावल, इसके साथ चावल खाते हैं, जैसे कड़ी के साथ कड़ी चावल होते हैं वैसे इसके साथ करैल और भात बोलते हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इन्जॉय कीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जो नया वीडियो आए आप तक पहुंचता रहे। तो इधर जो है हमारे पकौड़े जो थे वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और देख लीजिए आप इतने छोटे डालने के बाद इतने बड़े बड़े हो गए थे। तो अब हम इसको बना के दिखाएंगे सब्जी को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो इधर हम एक चम्मच जीरा डालेंगे, और जीरा हमारा चटक चुका है अच्छे से। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया था, और सब्जी के हिसाब से आप प्याज ले सकते हैं। हमारी दाल के हिसाब से हमने दो छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, 5-6 लहसुन की कलियां ली थी। तो आप लोग भी इसी तरीके से लीजिएगा। और ये हमने एक टमाटर लिया है और छोटे साइज़ का एक टमाटर डाला है। टमाटर डाल के हम अच्छे से चला लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक डालने से टमाटर जो है अच्छे से गल जाता है, तो इसलिए हम नमक जो है टमाटर के साथ ही डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर मसालों में, और क्या बोलते हैं लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये ज़्यादा तीखा नहीं करता है। आप लोग वीडियो फुल एंजॉय कीजिएगा, फुल देखिएगा। और
हमारी ये जो करेल और बात की रेसिपी है आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताइएगा, और आप लोगों को हमसे कोई और डिमांड हो वो भी बताइएगा, हम आप लोगों के बीच में लाके शेयर करेंगे। तो इधर हमने जो दाल ली थी उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके थे, और इसको भी हम दाल को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हम चारों तरफ चला के अच्छे से भून लेंगे। तो इसको मैं हल्के हल्के हाथों से चलाती रहूँगी जिससे हमारी जो दाल है अच्छे से फ्राई हो जाए मसालों के साथ में। तो इसमें थोड़ा सा और रह गया था, मैं उसको भी डाल देती हूँ। और ये सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, तो आप लोग भी अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। तो इधर हम जो है उसके अगल बगल में दाल लगा था उसको भी मैंने धो लिया है, और इसको भी मैं डाल दूँगी उसी में ग्रेवी, जिससे अच्छी बनेगी और गाढ़ी भी बनेगी, क्योंकि दाल को हमने बहुत अच्छे से फ्राई किया था, मतलब दाल को जो है ना अच्छे से पीस लिया था। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का होना चाहिए, जिससे मतलब उसका कलर और खाने में टेस्टी लगे, इस हिसाब से आपको पीसना चाहिए। तो इधर हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के अनुसार पानी, हमको कितना चाहिए, पतला मोटा जैसा चाहिए उस हिसाब से हम इसको मतलब पानी को लगा देंगे इसमें। और इसमें ध्यान रखें क्योंकि पानी डालते समय चलाते रहें, जिससे ये गुटकी टाइप की ना पड़े, और गुटकी टाइप की पड़ जाती तो अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हम इसको बराबर चलाते रहेंगे, पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और एकदम कड़ी के जैसे बनती है, बिल्कुल कड़ी के जैसे बनती है। बस इतना फ़र्क है कि इसमें जो है ना मठा नहीं पड़ता, मठा दही जो पड़ता है वो नहीं पड़ता है, बाकी सब कुछ एकदम कड़ी के जैसे टेस्ट भी आता है और स्वाद भी एकदम अलग कड़ी के जैसे दिखने में भी लगती है। तो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और आप लोग मेरा प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा वीडियो देखें, फुल वॉच करें और मेरा फुल सपोर्ट करें। मैं लाइव आती हूँ सुबह 10:30 के बजे के बीच में, तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरी लाइव में भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हमारा वॉच टाइम जो है वो पूरा हो सके। हमारा जो वॉच टाइम है वो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ 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 हमारा सपोर्ट करें। तो इधर मैंने हरी धनिया को काट लिया है, और दाल में जो अच्छे से मतलब उबाल आने लग गई थी तो मैंने जो पकौड़ी बनाई थी वो डाल दी हैं, तो उनको डाल के भी मैं अच्छे से चला देती हूँ। आप लोग देख सकते हो दाल कितनी अच्छे से मतलब दिख रही है, कभी अलग तरीके की दाल खानी हो तो इस तरीके से भी बना सकते, बाकी कई तरीके होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, आप लोग कैसे खाना पसंद करते हैं और क्या आप लोगों को अच्छा लगता है उस हिसाब से। तो इसी तरीके से ये हमारा नया तरीका है, या आप लोगों को पता है मुझे नहीं मालूम। और उधर मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया था कुकर में चावल, क्योंकि इसके साथ हमको चावल खाने हैं, बाकी आप लोग रोटी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना चावल के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, तो मैंने चावल के साथ बनाया है इसको। तो ये आप लोग देख लीजिए हमारा करेल एकदम बनके तैयार है, बगल में चावल भी बन चुके हैं हमारा करेल। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, तो इसलिए आप लोग बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। और हम आप लोगों को दिखा दी हमारा ये दाल का वो है कितना अच्छा बना है, कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। तो आप लोग भी नए तरीके से ट्राई कीजिएगा और खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, बार बार मुझे बोलना पड़ता है। और इधर हम डाल देते हैं इसमें हरा धनिया, हरा धनिया डालने से इसका जो है ना अच्छा बन जाता है कलर,
और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।